भाई सच में यार, आंखों से पानी दिल में खुशी यार, पहली बार सच में पहली बार आया एक ऐसा मूवी जिसमें सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट। बीजीएम की बात कर ले, कास्ट की बात कर ले, एक्शन की बात कर ले, उसके बाद से यहाँ पर बात कर लेते रोमांस की, बात कर लेते लव स्टोरी की, बात कर लेते मतलब एक ऐसा मूवी, मतलब इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था इस मूवी से, लेकिन कसम से यार बहुत ज्यादा दिल जीत लिया यार इसके सामने। तो मेरे को लगता नहीं है कि 3 जून को कोई भी मूवी टिक पाएगी दोस्तों, क्या स्टोरी है यार। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे सब बता दूं कि मूवी में क्या है, एक्चुअली आपको क्यों देखना चाहिए मूवी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो पे नए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात कर लेते सबसे पहले जो डायरेक्टर है किरण सर ने काफी ज्यादा कमाल कर दिया है इसमें, उन्होंने इस मूवी में उन्होंने जो संदीप सर का जो रोल लिया है, जो रोल के लिए कैरेक्टर चुना है अरविंद सेस को, मतलब परफेक्ट सूट करते। अगर हम लोग बात करते फेस से या एक्टिंग से या बॉडी लैंग्वेज से, तो सभी लैंग्वेजेस से ये पूरा परफेक्ट मतलब मैच करते संदीप सर से। मतलब दिमाग लगाया है किरण सर ने कि किस तरीका से इनको कैरेक्टर को चूज करना है, क्या लेना है, सब कुछ इन्होंने देखा है। अब बात कर रहे थे कि स्टोरी लाइन क्या, दोस्तों देखो ट्रेलर देखकर ऐसा लगा था कि ये मूवी पूरा ही बेस है 26/11 जो अटैक हुआ था आतंकवादी लोग का उस पे बेस है, लेकिन जब मूवी आई तो मूवी के बाद मतलब पता चला कि ये 26/11 का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये बायोपिक मूवी है। मतलब संदीप सर की जो मूवी है, जो एक आर्मी थे, जो एक फौज में थे, एक हिंदुस्तानी फौज थे, उनकी पूरी स्टोरी दिखाई गई है। और वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं आर्मी, उसके बाद से वो अटैक होता है 26/11 का, तो मतलब कनेक्शन दोनों का ही है। तो ज्यादा फोकस किया गया है इनकी बायोपिक में, मतलब इनकी बायोग्राफी में ज्यादा फोकस किया गया। तो अब बात कर लेते कि स्टोरी में एक्चुअली में है क्या। देखो स्टोरी में एक्चुअली में एक सीधा साधा घर का लड़का रहता है जो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा अच्छा रहता है, और उसको बड़े होकर फौजी बनना रहता है, जवान हिंदुस्तान के लिए उसको कुछ करना रहता है, उसके अंदर का एक ऐसा हौसला रहता है। तो धीरे धीरे बहुत सारे स्ट्रगल करता है, जैसे आपको पता है कि अगर एक आपको फौजी बनना है तो आपको कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और आखिर में वो एक फौजी बन जाते हैं। और इस मूवी में हम लोग यहाँ पर साई मंजेकर को भी देख सकते हैं, जो कि इनकी गर्ल संदीप सर की गर्लफ्रेंड का रोल इस फिल्म में अदा कर रही है, काफी ज्यादा अच्छा एक्टिंग की है। मतलब यार कसम से बोले हर एक्टर, हर कास्ट ने अपना काम बखूबी अच्छे से निभाया है इस मूवी में। और सबसे ज्यादा अगर मेरे को जो मजा आता है जिनका, तो प्रकाश राज सर का, जो जिन्होंने जो लास्ट में जो डायलॉग बोला ना दोस्तों, मैं बोलकर आपको स्पॉइलर नहीं करूंगा, आप जाकर मूवी जब देखोगे तो सुनना, लास्ट में जो उन्होंने डायलॉग बोला ना काफी ज्यादा ऑसम, मतलब पूरे हॉल में जितने लोग थे ना सभी ने उठ के ताली मारना स्टार्ट कर दिया। मतलब सच बता रहा हूँ यार, ये मूवी देखकर मजा आ गया। तो सबसे पहले अगर तुम कल मूवी कोई देखने जाते हो तो इसी मूवी को जरूर देखने जाना यार, बहुत अच्छा मूवी। अगर मेरे से बात किया जाए इस रेटिंग के बारे में कि मूवी को कितना रेटिंग देना चाहिए, तो अगर 10 में बात करोगे तो 10 में मैं 10 स्टार दूंगा, सच बता रहा हूँ यार। तो काफी हर कोई का एक्टर काफी अच्छा था, एक्टिंग मतलब मजा आ गया यार, सच बता रहा हूँ यार। महेश बाबू ने हिला दिया यार, महेश बाबू ने बोला लगाओ पैसा, लगाओ लगाओ लगाओ, मतलब फिल्म में कोई कमी नहीं आनी चाहिए दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।